भारत में 150 साल पुराने कानूनों के माध्यम से, वो कानून जो ब्रिटिश संसद में पास हुए थे उसी से पूरा भारत के प्रक्रियाएं गवर्न हो रही थी। उसमें आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, उन तीनों के समानांतर भारतीय आत्मा को ध्यान में रख करके और भारतीय सदन में प्रस्ताव पारित करके कानून केंद्रीय स्तर पर बने हैं। वो कानून लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर भी उसमें हो चुका है। उस कानून की पूरी जानकारी सबके साथ हो, विभाग में भी हो, और उसकी पूरी एक कार्ययोजना बना करके, विभाग में प्रशिक्षण भी उसका होना पड़ेगा, उसके संदर्भित इतने आधुनिक तरीके से तरीकों को रख करके उन कानूनों को बनाया गया है कि बहुत सारे संसाधन, बहुत सारी प्रक्रियाओं को ठीक करने के लिए बहुत सारा काम करने की आवश्यकता होगी। उन पूरी कार्ययोजना को बना करके विभाग ने आज माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उसको रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देख करके ये कहा है, आश्वस्त किया है पूरे विभाग को, आप पूरी ताकत से कोशिश करें, किसी बात की कमी नहीं होगी। एकदम करना चाहिए भाई, स्वागत है इस बात का, जरूर करना चाहिए, और भी काम करना चाहिए। जो दर्शन नहीं करने हैं ऐसा सोचकर बैठे हैं, उनको दर्शन भी करना चाहिए। बड़ा शुभ दिन है, 500 वर्षों के बाद मिला है वो दिन। 500 वर्षों तक पूरे समाज ने प्रतीक्षा की थी कि जहां पर राम मंदिर तोड़ा गया था वहीं राम मंदिर बनना चाहिए। 500 वर्षों के बाद आने वाले दिन का अगर कोई ये करता है, विरोध करता है, तो वो बात गलत है, उनको जरूर ऐसा करना चाहिए। 6000 से ज्यादा हिंदू बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही है, ये आंकड़े छत्तीसगढ़ शासन ने केंद्र को भेजे। ठीक है, तो मदरसों में हिंदू बच्चों को, अरे भाई तो मदरसों में तो सरकार का पैसा लगा है भाई, क्यों नहीं देंगे तालीम हिंदू बच्चों को? क्यों नहीं देंगे तालीम भाई? मदरसों में तो सरकार का पैसा लगा है ना। ना इस्लाम की शिक्षा दी जा रही होगी तो वो गलत है। मदरसों में पढ़ाई जो कराई जानी चाहिए वो पढ़ाई कराई जानी चाहिए, उसका उसको ध्यान भी करा लेंगे। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.